इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आ रहा है। लता मंगेशकर के निधन पर उन्होंने कहा है, इंदौर की बेटी थी लता मंगेशकर। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें श्रद्धांजलि यानी कि श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनकी आवाज जिंदा रहेगी। वो अपने स्वास्थ्य के चलते इंदौर नहीं आ पाई, हमें दुख है। जी हाँ, बड़ी खबर इंदौर से बता रहे हैं, जहां इंदौर की बेटी लता मंगेशकर थी। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान जारी किया है। आज सुबह ही 8:12 पर खबर आई कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान जारी किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनकी आवाज जिंदा रहेगी। लता दीदी का जाना हम सब के लिए बहुत दुखद घटना है। इंदौर ही नहीं, देश ही नहीं, सारी दुनिया के वे संगीत प्रेमी जो उनकी आवाज़ के दीवाने थे, निश्चित रूप से आज बहुत दुखी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी आवाज़ में वो ताकत थी कि कितना भी संत पुरुष हो, पर उनका जब प्रेम की चालू होता था तो उसके अंदर एक आनंद के लिए लहर ढूंढने लगी। कितना भी गैर जवाबदार व्यक्ति हो, पर उनके राष्ट्रभक्ति का गाना जब सुनता था तो उसके रगों में खून दौड़ने लगता था। कितना भी बेदर्द व्यक्ति हो, पर जब उनके दर्द भरे गीत सुनता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये उनकी आवाज़ की ताकत थी। लता जी का शरीर हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज़ जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। जब तक ये धरती है जब तक जिंदा रहेगी। हम इंदौर के लोग बहुत दुखी है, इसलिए कि वो इंदौर की बेटी थी। मैं मेयर था तब से चाहता था कि वो इंदौर आए, गया भी उनके पास, पर किसी एक घटना के कारण वो इंदौर आने के लिए तैयार नहीं थे। हम सब इस बात के लिए दुखी हैं कि वो इंदौर की बेटी होने के बाद भी अपने अंतिम समय में इंदौर नहीं आए। हम उनका स्वागत नहीं कर सके, हम उनका अभिनंदन नहीं कर सके, पर लता जी का जाना एक भारत के लिए नहीं, पूरे संगीत की दुनिया के लिए बहुत दुखद है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आवाज़ दुनिया जब तक रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। शरीर उनका भले चला गया। ओम शांति।